22वें उर्स कायदे अहले सुन्नत के मौके पर जेडीयू लीडर व साबिक रुकने राज्यसभा गुलाम रसूल बलियावी ने मुंसिफ टीवी से बातचीत के दौरान बंगाल की तर्ज पर झारखंड बिहार में भी इमाम मुआज़िन की तनख्वाह हुकूमत की जानिब से दिए जाने के सवाल पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में तनख्वाह के नाम पर छोटी रकम देना इमाम मुआज़िन की मजाक और तौहीन है। उन्होंने बंगाल हुकूमत पर वक्फ का सरमाया लूटने का एजेंडा करार देते हुए बंगाल हुकूमत से अपील की कि आप बंगाल में तमाम वक्फ की जायदाद को मुसलमानों के हवाले कर दें और आपके चैनल के माध्यम से मैं हुकूमत मगरबी बंगाल को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सत्ता का ज़कात फितरा अइम्मा को देने की गलती मत कीजिए। कोलकाता में और बंगाल में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों के हवाले कर दीजिए। इतने बड़े सूबे में चंद मस्जिदों के अइम्मा को 2,000-2,500 वजीफा दे देने से उनकी बच्चों की किफालत थोड़ी हो जाएगी। इतने पैसे तो हमारे अइम्मा से रिक्शा और ठेला वाला मुसलमान मुसाफा कर लेता है एहतराम वजीफा के नाम पर। मस्जिदों की हुरमत आलिमाना वक़ार और वक्फ के अमलाक को लूटने का यह मास्टर एजेंडा है।